Hello guys, good evening everyone, good evening and welcome to the session. So continuing our discussion from where we left, if you remember in the last class we were talking about a whole lot of vectors, different vectors ke baare mein hum logon ne kuch idea, basic ideas humne gather ki, right? And we were talking about the angle between the vectors. So main angle between the vectors ko aage leke jata hun, that's an important segment. Angle between the vectors ko samajhne ke liye hume kuch properties of vectors ke baare mein clear cut idea hona chahiye. जैसे कि अगर हम वेक्टर को उसके सपोर्ट में मूव करते हैं एनीवेयर विदाउट चेंजिंग द टेल टू हेड डायरेक्शन और चेंजिंग द लेंथ बिटवीन द टेल टू हेड देन द वेक्टर विल रिमेन अनचेंज्ड, राइट? ये कॉन्सेप्ट हम लोग, अगर आप ध्यान दोगे, ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत बार यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट मेनी टाइम्स. तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये समझना है अच्छे से, ठीक है? हम ये चीज यूज कर रहे हैं. तो कल भी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने के लिए हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, इफ यू रिमेम्बर, राइट? सो आइए समझते हैं. तो वी वर डीलिंग विद एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को जस्ट क्विकली एक रिकैप करवा दूंगा. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए मैं अपना टोन को अकॉर्डिंगली चेंज करते रहता हूं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस पॉइंट, राइट? कि क्या एम्फेसाइज करना है उसके बेसिस में मैं अपना टोन बदलता रहता हूं. तो प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरे टोन के ऊपर, राइट? अदरवाइज इट विल बिकम वेरी मोनोटोनस. सो मैं चेंज करता रहता हूँ, राइट? जो चीजें इंपॉर्टेंट उसको ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, जो चीजें रेस इंपॉर्टेंट है उसको धीरे 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 बोल के निकलता हूँ, राइट? ताकि हम कुछ भी मिस ना करें और सारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहे. तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को निकालने के मैंने कल आपको दो स्टेप प्रोसेस बताया था, एक एल्गोरिदम दिया था. सबसे पहले एल्गोरिदम का पहला पार्ट क्या था कि दो वेक्टर्स को हमें कैसे रखने हैं, टेल टू टेल या हेड टू हेड, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर दो वेक्टर टेल टू टेल या हेड टू हेड नहीं रखे हैं तो उनको उस पोजिशन में लाना है by using the first property, जो हम जानते हैं, which property was that, कि अगर हम वेक्टर को उसी के सपोर्ट में कहीं पे भी ले जाएं या फिर उसके पैरेलल सपोर्ट में कहीं पे भी ले जाएं without changing the tail to head direction and the distance between the tail to head, then the vector will not change. This is what was our understanding, right? और दूसरा स्टेप क्या था, जब हम दोनों को टेल टू टेल या हेड टू हेड पोजिशन पे ले आए दो वेक्टर को, तो फिर उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा, दैट इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. दिस वाज आवर अंडरस्टैंडिंग, दिस वाज द एल्गोरिथम दैट आई हैड गिवन यू टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. फिर हम लोगों ने कल अलाउबल मूवमेंट देख के हमने अलग अलग तरीके से वेक्टर्स को समझा कि कैसे हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? आइए आगे बढ़ते हैं. मैं एक सवाल कराता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी. सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूं, समझिएगा ध्यान से. सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है, समझिएगा ध्यान से, एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूं. सपोज इस बिल्डिंग से आपने एक गेंद को फेंका इस तरीके से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो फेंका है मतलब ये कौन सा वेक्टर होगा? अगर मैं इसे वेक्टर बोल रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा वेक्टर होगा? मैं एक काम करता हूं, मैं चैट सेक्शन एनेबल कर रहा हूं. यू कैन राइट इट इन योर चैट सेक्शन. नाउ द चैट सेक्शन इज एनेबल्ड, यू कैन राइट इट इन योर चैट सेक्शन. ये कौन सा वेक्टर होगा? अगर मैंने गेंद को फेंका है ऊपर से, फेंका, तो कौन सा वेक्टर होगा ये? यू कैन राइट इन योर चैट सेक्शन इफ यू विश. कौन सा वेक्टर होगा ये? इस वेक्टर का नाम क्या है? इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी. फोर्स नहीं, वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर. वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर. जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो उसको एक वेलोसिटी मिलती है, तो ये एक वेलोसिटी वेक्टर है. लेट अस से इट इज v1, ठीक है? और ये गेंद जब जमीन पे आई, ये गेंद जमीन को हिट की है ऐसे, इसको मैं बोल रहा हूं v2 वेक्टर. एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूं, ऐसे गेंद आके हिट की यहां पे जमीन को, ठीक है? एंड सपोज इफ आई से दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन. एक्सक्यूज मी सर, योर वॉइस इज नॉट लाउड, चेक आउट योर नेट कनेक्शन. क्या मेरी वॉइस सबको साफ साफ सुनाई दे रही है? इज एवरीवन एबल टू हियर मी प्रॉपरली? थोड़ा सा लिख दो क्या क्लैरिटी है. जिसको भी ऐसे कोई दिक्कत है तो प्लीज वो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करे या फिर अपना नेटवर्क चेकिंग कर ले यार, है ना? ठीक है, इट इज क्लियर. ओके, फाइन 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 फाइन.
आइए आर्यन एक बार चेक कर ले दोस्त अपने एंड से, ठीक है ना। ये देखो ये वी वन है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये आके जमीन को हिट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको निकालना है एंगल बिटवीन वी वन एंड वी टू, आपको निकालना है एंगल बिटवीन वी वन एंड वी टू। एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन दिया, क्या आप निकाल सकते हो? एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो सीखा है उसको यूज करो। एंगल बिटवीन वी वन एंड वी टू कैसे निकालोगे? एक मिनट का समय दे रहा हूं, बताओ कैसे निकालोगे? एक मिनट का समय है आपके पास, बोलो। Good. I'm seeing some people have raised their hand to answer it. Okay. I'm seeing people who have already answered. तो मैं सबको एक चांस देना चाहता हूँ। नहीं, वही हाथ उठ रहे हैं जो ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं काफी बार। कोई नया पर्सन, आई वॉन्ट टू गिव देम अ चांस। एनीवन न्यू? नहीं, वही लोग आ रहे हैं जो ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। कोई नया? ललित, पार्थ, आहाना, अदिति, अनन्या, एनीवन, आर्यन फॉर दैट इंस्टेंस। नहीं, वही लोग हाथ उठा रहे हैं जो लोग बार बार हर दिन आंसर कर रहे हैं। मुझे मुझे कुछ नए लोगों को चांस देना है। सॉरी गाइज, आई नो यू कैन आंसर दैट। हाँ बोलो। सो तनीषा इज गिवन अ चांस। तनीषा यू कैन स्पीक आउट। 75. योर वॉइस इज क्रैकिंग, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, नो इश्यू आर्यन, कोई बात नहीं है यार, दिल पे मत ले, आराम से सीख जाएगा। चलो 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 चलो, अभी अभी वही लोग हाथ उठा रहे हैं। आप अपना आंसर लिख दो प्लीज चैट सेक्शन में आंसर लिख दो। बहुत से लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या लॉजिक क्या है। सुने ध्यान से, सबसे पहला एल्गोरिथम का स्टेप चेक करो। एल्गोरिथम का स्टेप है कि दोनों वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल रखना है। दैट इज व्हाट इज द स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम। दोनों वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल रखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मैं पूरा ये प्रोसेस आपके सामने रख रहा हूँ, सुने ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वेक्टर का सपोर्ट बना रहा हूं। फील कीजिए, ये है सपोर्ट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर v1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सपोर्ट के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं जो कि दूसरे वेक्टर के टेल से गुजर रहा है। इसके पैरेलल खींचा मैंने ये सपोर्ट। अब मैं इस वेक्टर को उठा के यहां पे पुट कर रहा हूं। क्या मैं ये कर सकता हूं? प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। Do not raise your hand when I will ask you to raise your hand. At that time, raise your hand. Now respond in the chat box, please. Respond in the chat box. Can I do this? Yes, everyone. Very good. एकदम clarity है आपको, एकदम clarity है, ठीक है ना? Just hold. हाँ बोलो भाई, बोलो। Sir, no sir, by mistake. Mute करो अपने आपको and lower your hand, please. ओके, तो इसको इधर ले आए, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? ये 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, बट दिखने से कुछ नहीं होता है, हमें बेसिक से चलना पड़ेगा। सुने ध्यान से, तो ये जो है, सुने ध्यान से, ये जब मैंने यहाँ उठा के ले आया, अब मैंने दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रख दिया भाई। अब टेल टू टेल रख दिया तो इनके बीच में स्मॉलर एंगल, तो इनके बीच में स्मॉलर एंगल कौन सा? ये वाला स्मॉलर एंगल, ये मुझे चाहिए। तो ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन जो यहाँ का था, इसका इस लाइन के पैरेलल भी एक लाइन हमने ऐसा खींच दिया, तो क्या दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री? क्या दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री? एवरीवन बोलना पड़ेगा यस। ये 30 डिग्री होगा और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल से देखो, ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, तो आपका आंसर आएगा 75 डिग्री। क्या क्लैरिटी है ये? वेरी गुड। नाउ द क्लिंचिंग पॉइंट। देखिए, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं v1 को नहीं उठाता, मैं v2 को उठाऊंगा, क्या मेरा आंसर अलग आएगा? Let us check. अगर मैं V2 के parallel, answer अलग नहीं आएगा, यही मुझे आपको सिखाना है। अगर मैं V2 के parallel, V2 का जो support है, वो support बना रहा हूं पहले, ये देखो, मैं इसको maroon color से बना रहा हूं। Sorry, purple है ये। Purple color से मैं V2 का support बना रहा हूं, और V2 का support है, अब V2 के support के parallel मैं एक और support बना रहा हूं यहां पे, जो इसके tail से cross कर रहा है, ये V2 के support के parallel है। Feel कीजिएगा, ये जो सपोर्ट मैंने बनाया, ये V2 के सपोर्ट के पैरेलल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब मैं इस वेक्टर को उठा के
इस पे डाल दूंगा, अगर मैंने डाल दिया तो क्या होगा बोलो? तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूं, फील करें। हाँ, क्या V2 को ऐसे लाया जा सकता है? ये जो मैंने काम किया है ना, दिस इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स दैट इज एप्लीकेबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल, इज इट सो? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जो जिसको भी ऐसा नो, सर यस यू आर ऑडिबल। सुनो सुनो सुनो, श्रुजल श्रुजल श्रुजल, मेरी बात सुन ध्यान से दोस्त। क्या तूने इससे पहले कभी जूम ऐप यूज किया है? अगर जूम ऐप यूज किया है तो चेक कर, तेरे जो वहां पे एक एक सेक्शन है ऑडियो बोल के, क्या तूने उसको क्लिक करके ऑन किया है? श्रुजल ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्लैरिटी आई है? हाँ आ जाइए। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो एंगल था, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री है, तो जो ये वाली एंगल है ये भी 45 डिग्री होगी। अब भी देखो इनके दोनों के बीच का एंगल 75 डिग्री ही आ रहा है। तो आप किसी भी वेक्टर को उठा के हेड टू हेड रखो या टेल टू टेल रखो, ठीक है, किसी भी वेक्टर को हेड टू हेड उठाओ या टेल टू टेल, हेड टू हेड रखो या टेल टू टेल रखो, यू विल फाइंड दैट द यू नो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर विल बी 75 डिग्री ओनली। क्या क्लैरिटी है ये एकदम प्रैक्टिकल मैंने आपको सिचुएशन बताया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपको, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पर, ठीक है ना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर पूछा जाएगा एंड यू वुड बी यू नो यू वुड बी आस्क्ड टू फाइंड आउट दोज एंगल्स। क्या क्लैरिटी है ये? क्या बात समझ में आई है? क्या क्लियर है? बोलिए। समझ में आई बात? क्या क्लैरिटी है? गुड गुड गुड, वेरी गुड, आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ठीक है, आइए अब देखो एक और मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ। देखो कोई खास बात नहीं है यार, डरना नहीं बिल्कुल, है ना। इधर देखो ध्यान से, सपोज थोड़ा सर्कल किया जाए, ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं सब लोग, थोड़ा सर्कल किया जाए। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं, समय ध्यान से ध्यान ध्यान। ये देखो सपोज ये इसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर बनाई है, यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है ऐसा v1, ठीक है, और ये एक पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी है v2। अब मैं कुछ डेटा दे रहा हूं आपको, सुने ध्यान से। ये हॉरिजॉन्टल है या डायामीटर है, ठीक है। सपोज आई टेल यू दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। वेक्टर्स मैंने कैसे बनाए हैं ध्यान दो, ठीक है, आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा वेक्टर्स के बारे में जब आप किनेमेटिक्स में जाओगे। अभी हमारा टास्क क्या है? अभी हमारा टास्क है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना, ठीक है। Yes, I will answer. Now listen to me. First look at this. ठीक है? Suppose मुझे V1 और V2 के बीच में एंगल निकालना है, कैसे निकालूंगा? क्या मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन है? I think मैंने सब दे दिया है, ध्यान देना। एंगल बिटवीन V1 एंड V2। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? आपको पता है मुझे दोनों को हेड टू हेड या टेल टू टेल रखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर यूज करना पड़ेगा और बेसिक ज्योमेट्री से देखो क्या तुम आंसर ला पा रहे हो या नहीं। ओके, वी ऑलरेडी गॉट वन आंसर, सब लोग देखें ये आप ला पा रहे हो या नहीं, दो वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, good 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 good, a lot of people are answering now, so let's do it now, theek hai na, so ise solve karte hain, dhyan se dekhen, ye dekhiye ye do vectors hain, theek hai, samjhe hum dhyan se,
अगर हम बेसिक लगाएं तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो टेंजेंट मैंने यहाँ पे खींचा, ये जो वेक्टर से इसकी डायरेक्शन जो है ये टेंजेंट है, राइट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये टेंजेंट है, ये इसका सपोर्ट लाइन मैंने बनाया है, ये सपोर्ट लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ठीक है ऐसे एक्सटेंड कर दिया, और ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का जो सपोर्ट लाइन है वो मैंने ऐसे बनाया, देखो येलो कलर से बनाया है, ये देखो ये इसका सपोर्ट लाइन है, फील करें ठीक। तो मुझे ये दो वेक्टर के बीच का एंगल जानना है, तो मैं सुने ध्यान से, मैं क्या करूंगा फील करें, मैं इस वेक्टर को, इस v2 वेक्टर को इस सपोर्ट के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं, और इसको शिफ्ट करके एक नए जगह पे लेके जा रहा हूं यहाँ पे। एक्चुअली ये थोड़ा सा क्या हो गया ना, जगह का कमी आ जाएगा यार, है ना, आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, ये v2 वेक्टर मैंने लाया, ठीक है v2 वेक्टर, ये v2 वेक्टर ही रहा बिकॉज सपोर्ट पे, सेम सपोर्ट पे शिफ्ट किया और टेल टू हेड की डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, और ये भी चेंज नहीं किया, क्या नहीं चेंज किया, लेंथ फ्रॉम टेल टू हेड दोनों चेंज नहीं किया, और इस v1 को हम शिफ्ट करेंगे और कहां पे लाएंगे, अब मेरे पास जगह की कमी हो गई, मैं इसको कैसे दिखाऊं, आपको समझ में आ रहा है ना, मैं इस v1 को, सुनो ध्यान से, इस v1 को मैं शिफ्ट करके इसका टेल यहां पे रखूंगा और आगे लेके चला जाऊंगा ऐसे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बना रहा हूं लेकिन मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूं, सुने ध्यान से, मैं इसको कैसे दिखा रहा हूं आप लोग फील करें, बिकॉज जगह की कमी हो गई, ये मेरा v1 वेक्टर आ गया फील करें, और इसका टेल यहां पे है, इमेजिन कर लो, ठीक है ना, ये बीच में दिख नहीं रहा है मान लो ऐसा है। अब इनके बीच का एंगल मुझे चाहिए, वेरी गुड, समझ में आई बात, इनके बीच का एंगल मुझे चाहिए, इनके बीच का एंगल क्या होगा सुने ध्यान से, ये देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री, टेंजेंट जो है वो हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनता है, 90 180 हो गया, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 45 + 30 105, ये 105 हो गया तो ये 75 हो गया, सुने ध्यान से, बिकॉज फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेक 360 डिग्री, तो दो अपोजिट एंगल 180 बना रहे थे, सुने, दो अपोजिट एंगल 180 बना रहे थे, तो ये 105 था लीनियर पेयर के हिसाब से, ये 105 है तो ये 75 हो जाएगा। अब ये टोटल एंगल जो है फील करें ये टोटल एंगल लीनियर पेयर से कितना होना चाहिए, पूरा बना नहीं पा रहा हूं, 180, वेरी गुड, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होता है, दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल, तो एक एंगल हो जाएगा 105 और रिमेनिंग हो जाएगा 360 - 105, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या होगा जल्दी बताएं, बहुत से लोग 75 और 105 में कंफ्यूज हुए हैं, आंसर क्या है बोलो, अभी भी 75 बोल रहे हो, सोच के बोलो, दो वेक्टर को टेल टू टेल या हेड टू हेड रखना है, सोच के बोल भाई, सोच के बोल, तो तूने जब टेल टू टेल रखा है तो उनके बीच का, टेल टू टेल रखने के बाद उनके बीच का स्मॉलर एंगल होगा ना भाई, तो सही आंसर है 105, क्या चमका है। सो दिस इज अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल वेर वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दीज आर एकदम लाइवली एग्जांपल जो कि आपको फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने का मौका मिलेगा, क्या क्लैरिटी है ये, आई होप एवरीबॉडी गॉट क्लैरिटी, अच्छा लगा, पसंद आया, सवाल की क्वालिटी, क्या आप अप्लाई कर पा रहे हो, डिड यू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी है, बढ़ू आगे, सबने नोट कर लिया, यस। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आया था सर अगर दो वेक्टर इंटरसेक्टिंग हो तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालें, सुने ध्यान से, अगर दो वेक्टर इंटरसेक्टिंग हो, मैं इसी स्पेस को यूज कर रहा हूं, ठीक है, सवाल था कि इफ टू वेक्टर्स आर इंटरसेक्टिंग देन हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम, मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, इफ टू वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग देन हाउ टू फाइंड एंगल, देन हाउ टू फाइंड एंगल, सब लोग अपने कॉपी में लिखते चलो, सपोज मैंने एक वेक्टर लिया फील करें, सपोज इफ आई टेक वन वेक्टर लाइक दिस एंड द अदर वेक्टर समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अगर मैंने दो वेक्टर को ऐसा रखा है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव है दोनों वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल रखना, तो अगर दो वेक्टर इंटरसेक्टिंग है, फिर से हम जो अलाउबल मूवमेंट है वेक्टर्स का उसको यूज करके जो प्रॉपर्टीज में हमने सीखा था, हम इन दो वेक्टर्स को हेड टू हेड या टेल टू टेल रखेंगे, तो इसको उठा के सपोज हमने इसके पैरेलल में एक सपोर्ट बना दिया, सपोज इसको उठा के हम इस सपोर्ट पे लापट के, तो क्या हो जाएगा ये ऐसे आ जाएगा,
और फिर इसमें अलाउबल मूवमेंट दे देंगे ट्रांसलेशनल, तो क्या हम इसको उठा के ऐसे ला सकते हैं? तो फिर इनके बीच का एंगल ये होगा, समझ में आया? इनके बीच का एंगल ये होगा। अगर आप चाहो तो इनको टेल टू टेल की जगह पे, सॉरी हेड टू हेड की जगह पे टेल टू टेल रख दो। तो अगर टेल टू टेल रखोगे, क्या हम एक सपोर्ट ऐसा इमेजिन कर सकते हैं जो इसके टेल से गुजर रही है, और फिर अलाउबल मूवमेंट देके इसको उठा के यहाँ पे पटक सकते हैं और फिर उसी के ऊपर सपोर्ट के ऊपर ट्रांसलेट करा सकते हैं? करा सकते हैं बिल्कुल। तो क्या इस वेक्टर को इधर रख देंगे ऐसे? तो अब हमने इन वेक्टर्स को टेल टू टेल रखा है, तो इनके बीच का स्मॉलर एंगल हमारा आंसर होगा। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर, तो ये एंगल आएगा। तो अगर दो वेक्टर इंटरसेक्टिंग है तब भी कोई इशू नहीं, हम एंगल उनके बीच में निकाल सकते हैं। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? क्लियर है? पक्का 100%? नो डाउट, नो कंफ्यूजन? आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। सब लोग मेरे साथ हो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? गुड गुड गुड, चले आगे बढ़े। चलिए आइए, समझ में आया ना सबको? राइट, कोई दिक्कत नहीं है, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? नेक्स्ट लिखें मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे एक दो दिन के गैप में आ रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू गो थ्रू द 3 वीडियोस दैट हैव बीन अपलोडेड। वी आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग एज पर योर रिक्वेस्ट, बट प्लीज गो थ्रू द वेक्टर्स 1, 2, and 3 रिकॉर्डिंग्स बिफोर यू कम टू द क्लास, दैट विल हेल्प यू, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन of a vector with a scalar, ये concept पढ़ेंगे। Multiplication of a vector with a vector हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं multiplication of a vector with a scalar, ठीक है? Okay, I will show it that, just record it, इसको ध्यान से लिख लो अगर कुछ भी doubt है तो। Fast, I will move forward. Do not worry, I will tell you about books names. Just wait for a week. I will give you books names that I refer, both for JEE Mains Advanced and NEET. So you will be given all those information. Do not worry, just wait for a week. Itna hadbadao mat. Physics mein pure 2 saal aapko numerical hi banane hain aur kuch nahi karna hai. Samajhna hai aur numerical banana hai. To itna hadbadi mat karo. Theek hai na? पहले थोड़ा बेसिक ग्राउंडिंग हो जाए, समझ में आने लगे चीजें, फिर न्यूमेरिकल पे जाओ, मजा भी आएगा, सॉल्व भी ज्यादा कर पाओगे। हड़बड़ी में वहां पे कूद गए तो फिर बेटा वापस भी आना पड़ेगा, बीटिंग रिट्रीट हो जाएगा। समझ में आया? आ जाओ, डू नॉट वरी, आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, लिसन टू मी। अच्छा, ये सबने लिख लिया, आ जाओ अभी। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। स्केलर के साथ अगर हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ठीक है ना? सुने ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, स्केलर मतलब क्या? स्केलर मतलब हम एक प्लेन नंबर या फिर एक प्लेन नंबर विद अ यूनिट की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम सुने ध्यान से, आपने ये देखिए, मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। जब आप फोर्स, आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ है, मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अभी। फोर्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है एम इंटू ए, पढ़ा है ना? अच्छा, इसमें ध्यान से देखना, ये जो a है, ये a क्या है? ये a होता है acceleration। सुना होगा आपने, basic इतना physics आपने किया है 9th level में, right? इसको हम क्या बोलते हैं? acceleration। इसको क्या बोलते हैं? force। yes or no? ये एकदम basic information है, ये आपका नॉलेज नहीं है। बेसिक इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? फोर्स तो अपने आप में सबसे अच्छी चीज है न्यूटन लॉ में, फोर्स एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यही समझना होता है। ये समझ में आया? हर चैप्टर में ये आता रहेगा घूम फिर के, तो आप यही चीजों के साथ डील करोगे। तो फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए, ठीक है ना? अच्छा, फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। ए कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता ना। एम क्या है? मास। मास कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? सब लोग अपने चैट सेक्शन में आंसर करें, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, जब हाथ उठाने की जरूरत होगी मैं बोलूंगा हाथ उठाने की। चैट सेक्शन में आंसर करें, आई नीड टू सी आंसर्स फ्रॉम पीपल। स्केलर, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? इट्स अ स्केलर। समझ में आया? तो ध्यान से सुने, जब हम एक वेक्टर को, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, मास स्केलर है, तो इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इनटू ए वेक्टर।
समझ में आया? F वेक्टर इज इक्वल टू m इनटू a वेक्टर। देखो m के ऊपर मैंने वेक्टर नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। बट स्केलर क्वांटिटी होना मतलब इसकी यूनिट ना होना ऐसा नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज की भी यूनिट हो सकती है, जैसे कि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हम, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हम, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हम, लेकिन इन सब की क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हम, लेकिन ये सब क्या है, ये सब की यूनिट है। तो मास की यूनिट क्या आती है, केजी। समझ में आ रहा है? मास की यूनिट क्या आती है, केजी। क्या क्लैरिटी है ये? अब आप ध्यान से समझे, ध्यान समझे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ लिखा रहा हूं, ठीक है, लिखो अभी। ये बेसिक बात समझ में आ गई, दिस इज व्हाट इज द बेसिक ग्राउंडिंग कराई मैंने। अब इसके ऊपर मैं कुछ चीजें आपको लिखा रहा हूं, क्या लिखा रहा हूं सुने और लिखें। व्हेन, वन सेकंड, लेट मी सी, देयर इज सम क्वेश्चन आई थिंक। सर कैन वी मल्टीप्लाई स्केलर एंड वेक्टर्स लाइक नंबर? यस, स्केलर और वेक्टर्स को हम वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम दो प्लेन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और वो चीज का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से। थोड़ा बताऊंगा मैं अभी, लेकिन उसको आप भूल भी जाओगे, फिर वर्क पावर एनर्जी में मुझे रिवीजन करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी सब चीजें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें आप मतलब भरपूर यूज करोगे किनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन में, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, उसका यूज, एक्चुअल यूज स्टार्ट होगा फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से। तो वहां पे मुझे उसकी रिवीजन करवानी पड़ेगी। अभी मैं एक बेसिक ग्राउंडिंग दूंगा और वहां पे उसको डिटेल में लेके जाऊंगा, क्योंकि वहीं पे आप उसको रियल टाइम यूज करने वाले हो, अदरवाइज आप भूल जाओगे अभी पढ़ाने से डिटेल में, ठीक है। आइए चलिए। सर स्केलर इंटू स्केलर वेक्टर होगा क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सुनो, अब सुनो, अभी होल्ड करना दो मिनट और सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड विथ अ वेक्टर, व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड विथ अ वेक्टर, देन फॉलोइंग थिंग्स कैन हैपन। क्या क्या हो सकता है? पहला, इट्स डायरेक्शन मे चेंज, ठीक है, सोचो कैसे। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड मे चेंज, और तीसरा जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, इट्स यूनिट मे चेंज। ये क्या बात हुई, यूनिट में चेंज क्यों? अब सुनो, डायरेक्शन में चेंज क्यों बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। सपोज मैंने एक वेक्टर लिया, सुनना ध्यान से, मैंने एक वेक्टर लिया, सपोज ए वेक्टर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया दो से, आई मल्टीप्लाइड इट विथ टू, सो व्हेन आई मल्टीप्लाइड इट विथ टू आई गॉट दिस वेक्टर व्हिच इज डबल इट्स लेंथ, जो प्रीवियस लेंथ था उससे डबल हो गया, ये 2a वेक्टर है, बट इसकी डायरेक्शन टेल टू हेड की वही रही जो इनिशियल a वेक्टर की थी, क्योंकि हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इनटू माइनस टू, क्या तुम लॉजिकली बोल पा रहे हो कि क्या होने वाला है? अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं माइनस टू से तो क्या होगा? कैन यू राइट डाउन इन योर चैट सेक्शन क्या होगा अगर मैं इसे माइनस टू से मल्टीप्लाई करूं तो? कैन यू राइट इट डाउन इन योर चैट सेक्शन फास्ट? हाँ, टू टाइम्स लेंथ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे बताओ डायरेक्शन के बारे में क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, बहुत से लोगों ने एकदम सही रेस्पॉन्ड किया है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा माइनस टू ए वेक्टर। तो जब मैं किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा और अगर स्केलर पॉजिटिव है तो वेक्टर उतने गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसकी लेंथ या उसके टेल टू हेड के बीच की दूरी उतनी गुना हो जाएगी, लेकिन उसका टेल टू हेड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगा अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो पॉजिटिव नंबर 1 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, वी नो बेसिक मल्टीप्लीकेशन। वन छोड़ के कोई भी अदर नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, वन से बड़ा अगर वो नंबर है तो टेल टू हेड के बीच की लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब वेक्टर की लंबाई बढ़ गई, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गई। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वन छोड़ के कोई भी अदर नंबर से, तो वन से बड़ा और वन छोड़ के कोई भी अदर नंबर वन से बड़ा, तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, उतने गुना हो जाएगा, मतलब उसकी लंबाई उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन वो रिवर्स हो जाएगा अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई की। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप एक मिनट सिंपली अपने माइंड में कोजिटेट करें कि जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर वो नंबर जीरो और वन के बीच में है, वन और वन से बियॉन्ड है, जीरो और माइनस वन के बीच में है और माइनस वन से बियॉन्ड है, तो क्या होगा। मैं आपके लिए एक नंबर लाइन बना देता हूं, आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से आ जाएगी। आप नंबर लाइन जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जीरो ये वन, जीरो ये माइनस वन। तो वन से बियॉन्ड अगर नंबर हुआ, जीरो और वन के बीच में अगर नंबर हुआ, जीरो और माइनस वन के बीच में अगर नंबर हुआ और माइनस वन से बियॉन्ड हुआ, तो इस केस में आपको एक चार्ट बनानी है। चार्ट मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि वेक्टर के साथ क्या होगा। अगर वन से बड़ा नंबर हो जाएगा तो वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या वेक्टर एनलार्ज्ड हो जाएगा एंड डायरेक्शन सेम रहेगा, बोलो हाँ या ना। अगर जीरो और वन के बीच का नंबर रहेगा, इसको फील करें, वेरी गुड, ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों भाई। अगर जीरो और वन के बीच में, सोच समझ के जवाब दे भाई, हड़बड़ी मत कर, आराम से मेरा क्वेश्चन समझ और फिर जवाब दो। जीरो और सुनो, वन से बियॉन्ड अगर कोई नंबर हो और उसको मैं उस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं किसी एक वेक्टर से, तो क्या वेक्टर एनलार्ज्ड हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, यस। अच्छा, अगर जीरो और वन के बीच में करूं तो, अभी चैट सेक्शन में आंसर करें प्लीज, और जीरो और वन के बीच में करूं तो इट विल बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड समझते हो, याद करो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा है आपने, लेंसेज वेंसेज पढ़ा है, तो डिमिनिश्ड समझते हो, डिमिनिश्ड मतलब रिड्यूस्ड इन साइज, हाँ, क्या डिमिनिश्ड समझते हो, तो डिमिनिश्ड हो जाएगा एंड डायरेक्शन रिवर्स, डायरेक्शन सेम रहेगा, सॉरी, जीरो और माइनस वन के बीच में डिमिनिश्ड एंड डायरेक्शन रिवर्स्ड, एनलार्ज्ड एंड डायरेक्शन रिवर्स्ड। क्या आपको ये समझ में आया, क्या ये पूरा चार्ट आप बना पाए, ये याद रखना बस, इसको इस तरीके से याद रखो, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में नंबर लाइन में बता दिया, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या क्लैरिटी यही है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करो, डायरेक्शन में चेंज, इट्स यूनिट में चेंज, सॉरी इट्स मैग्नीट्यूड में चेंज, ये सब हमारा हो गया। अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि इट्स यूनिट में चेंज, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है बच्चे का, सर प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर, यस व्हाई नॉट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन समझते हो ना बेटा, नंबर लाइन समझते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेकंड स्टैंडर्ड में पहली बार नंबर लाइन सुना था, जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर लाइन, नाइन्थ में भी रियल नंबर लाइन पढ़ा था, देखो याद करो, उसमें रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, बोलो रूट थ्री क्रिएट किया था, कैसे बनाते हैं रूट थ्री, रूट फाइव कैसे बनाते हैं, रूट सेवन कैसे बनाते हैं, रूट थर्टीन कैसे बनाते हैं, ये सब किया है कि नहीं नाइन्थ स्टैंडर्ड में, बोलो हाँ या ना। नाइन्थ में किया है सीबीएसई वाले, स्टेट बोर्ड वाले, आईसीएसई वाले, सब लोगों ने, तुम लोगों को कुछ याद नहीं है यार, रूट थर्टीन कैसे क्रिएट करते हैं, रूट थर्टीन, रूट थर्टीन, चलो रूट थर्टीन छोड़ दो, रूट थर्टीन छोड़ दो, रूट थ्री कैसे क्रिएट करते हैं, रूट थ्री नंबर लाइन में कंस्ट्रक्शन कैसे 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 कैसे, छोड़ सोचना सोचना, अरे यार मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है यार, ऐसा क्या कर रहे हो, किया हुआ है तुम लोगों ने, ऐसा कैसे कर सकते हो। अच्छा सुनो ध्यान से, ये नंबर लाइन है, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वन से बड़ा अगर कोई भी नंबर हम सोचे, वन से बड़ा उसको अगर हम, और पॉजिटिव, देखो ये जीरो है, जीरो के इस साइड में आएगा तो नेगेटिव आएगा, जीरो के इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो जीरो से और वन से बड़ा अगर कोई भी नंबर रखें और उसको उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो वेक्टर होगा वो एनलार्ज्ड हो जाएगा और वो सेम डायरेक्शन में रहेगा इनिशियल वेक्टर के। अगर जीरो और वन के बीच में कोई भी नंबर हो और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेक्टर से, तो हमारा वेक्टर जो हो जाएगा, जो रिजल्टेंट या जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा रिजल्ट, वो आएगा डिमिनिश्ड, वेक्टर विल बी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा इन साइज, एंड इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम जीरो और माइनस वन के बीच में मल्टीप्लाई करें कोई भी नंबर से, तो इट विल बी डिमिनिश्ड एंड इट विल बी रिवर्स्ड, द वेक्टर विल बी रिवर्स्ड। जैसे अगर इनिशियल वेक्टर ऐसे था, इधर हेड था इधर टेल था, तो अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इधर हेड आ जाएगा इधर टेल आ जाएगा, क्लैरिटी है। उसके बाद अगर माइनस वन से इस साइड में, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, फर्दर उससे भी
माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस रेंज में गए तो एनलार्ज्ड होगा और रिवर्स्ड होगा। क्या समझ में आया पार्थ? जल्दी रिप्लाई कर भाई, तेरा सवाल था। क्या समझ में आया है? क्लैरिटी है? बोलिए यस नो में भी। कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया सबको? बढ़ू आगे। अब यहां पे एक चीज है कि इट्स मैग्नीट्यूड में चेंज। व्हाई यू आर सेइंग मैग्नीट्यूड में चेंज? देखो यहां पे आंसर है। एक्सेलरेशन वेक्टर का यूनिट क्या होता है बोलो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जब आप मास से मल्टीप्लाई किया, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसकी यूनिट केजी है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने के बाद एक नया क्वांटिटी आता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन। यस और नो? इसका मतलब जब हमने एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जब हमने एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यूनिट बदल गया। इट्स यूनिट में चेंज। क्या क्लैरिटी है ये? क्या समझ में आ रहा है यूनिट कैसे चेंज हुआ? क्या क्लैरिटी आई है? सर मैग्नीट्यूड और यूनिट, यूनिट की बात हो रही है यार, यूनिट की बात हो रही है। मैं प्लेन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था तो क्या होगा? अब अगर मैं जैसे कि नंबर के साथ उसकी कुछ यूनिट है तो यूनिट से मल्टीप्लाई, यूनिट अगर होगी तो हमारा, हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। जैसे जब हमने एक्सेलरेशन को मास के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें फोर्स मिला, एंड फोर्स की यूनिट एक्सेलरेशन की यूनिट से अलग है। क्या क्लैरिटी है? सिंपल सी बात, राइट? बहुत छोटी सी बात आपने किया हुआ नाइन्थ लेवल में, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये समझने वाली चीज है ना। अच्छा और एक चीज मैं बताता हूँ। देखो तुमने ना ये फॉर्मूला पढ़ा है, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है कि नहीं? बोलो पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पक्का पढ़ा है? पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? यस। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी में समझना, समझना, ये देखो ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, इट्स अ वेक्टर, मैं ऐसा लिख रहा हूं, और टाइम जो है ये स्केलर है, टाइम की यूनिट सेकेंड्स है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे किसकी यूनिट मिलती है बेटा? किसकी यूनिट मिलती है? मुझे वेलोसिटी की यूनिट मिलती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जब टी से मल्टीप्लाई किया टाइम से तो मुझे किसकी यूनिट मिली? वेलोसिटी की। क्या बात चमक रही है? हाँ। इसका मतलब जब हम एक स्केलर, स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमें डिफरेंट यूनिट मिल सकती है, अगर उस स्केलर की कुछ यूनिट है तो। जनरली जनरली हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं फिजिक्स के हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, मीन्स 11th 12th वाले कोर्स में, हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी के एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर को, तो जनरली वो स्केलर डायमेंशनलेस नहीं होती है। बहुत से केस में होती भी है, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और बहुत सारे केसेस में उसकी कुछ यूनिट होती है, तो उसका जो उसका जो यूनिट है वो चेंज हो सकता है स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद। दिस इज व्हाट इज द क्रक्स। ठीक है, जल्दी से एक मिनट दे रहा हूं, जो जो लिखना है खटाखट लिख लो फास्ट। ओके सर, वर्क इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? वेट, That you will learn in dot product of vectors. I have told you, work. It is work. Work power energy में आ रहा है, ठीक है ना? घबराओ मत, बताया जाएगा वो, ठीक है ना? उसके लिए आपको product of vectors तक का wait करना पड़ेगा, और उसमें मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं बताऊंगा, feel करना, रुक, आराम से, hold कर, ठीक है? अब समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो। देखो, अभी लिखो representation of vectors. In directions, ठीक है? जनरली हमें इन सब वेक्टर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है? इन सब वेक्टर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वेक्टर इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब समझो ध्यान से, मैं इस चीज को पहले भी बोल चुका हूँ, फिलहाल फर्दर बोलता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो हमें पता है कि हमारा अर्थ गोल है, हम स्फेरिकल है, ऑब्लॉइड है, ठीक है ना? और हम इसमें कहीं पे भी खड़े होते हैं, तो जहां पे भी हम खड़े होते हैं तो बेसिकली इसकी जो रेडियस है इतनी बड़ी है कि हमें जो सरफेस है वो सरफेस हमेशा प्लेन ही नजर आता है। सपोज हम यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं तो हमें जो सरफेस है ये सरफेस प्लेन ही नजर आएगा,
तो जो सरफेस बनता है हमारा वो ऐसा बनता है, मान लो इट्स अ प्लेन, सॉरी इट्स अ प्लेन, ऐसा प्लेन एक सरफेस बनता है अपने, जब जो भी सरफेस हम देखते हैं ना हमें ऐसा प्लेन सरफेस ही देखने को मिलता है। अब मैंने आपको बताया है कि इसी प्लेन सरफेस पे ज्योग्राफिकल अपने डायरेक्शंस फिक्स्ड होते हैं, ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ, ये नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, इस वाले को बोलते हैं ईस्ट, इस वाले को बोलते हैं वेस्ट, और अगर कुछ ऊपर से गिरे तो वो होता है हमारा जेड डायरेक्शन। तो ये ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन को ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ऊपर से अगर कुछ गिर रही है जैसे कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, हम ऐसे देखते हैं ना भगवान बचा लो, तो ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर से अगर कुछ भी गिर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो है हमारा जेड एक्सिस। तो ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आपको कंफ्यूजन होता है। आप अगर इंडिया के मैप को देखोगे, इंडिया के मैप को अगर आप देखोगे, मैं कोशिश कर रहा हूं इंडिया का मैप बनाने का, तो इंडिया के मैप में हम जब एटलस देखते हैं तो इंडिया के मैप में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बट ये समझने वाली बात है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये पूरा इंडिया का मैप इस प्लेन में है, ऐसा वर्टिकल नहीं गया इंडिया, ऐसा आसमान की तरफ देख रहे इंडिया, अरे ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बहुत बार बच्चा बोलता नहीं सर ये जेड एक्सिस है, अरे जेड एक्सिस नहीं है भाई, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत छोटी सी बात की है मैंने, बट ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्लियर है ये। रेन गिरेगा किस डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउन या वर्टिकल के साथ टिल्ट होगी। हवा कैसे चलेगी अलोंग द प्लेन, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट रहे ये चीज, ठीक है? इसको भूलना नहीं है। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये एक ही प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये। डू नॉट कंसिडर देम दैट एज इफ दे आर इन नॉट, मतलब हम ऊपर देखेंगे, गलत है भाई, अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन है। समझ में आ रहा है? ऊपर देखने के लिए हमें अपना सर को ऐसा ऊपर करना पड़ता है, और नॉर्थ देखने के लिए हमें उधर देखना पड़ेगा, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, उधर नॉर्थ और पीछे साउथ। क्लैरिटी है ये समझ में आई बात? तो अब इसमें हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सुने ध्यान से, तरीका क्या होता है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं आपको एग्जांपल जरिए समझाता हूं कि सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर लाइक, एक वेक्टर है सपोज पी वेक्टर, ठीक है? सपोज वी हैव टू ड्रॉ अ पी वेक्टर व्हिच इज अ वेलोसिटी वेक्टर which is equal to 20 meter per second at the rate of 45 degree north of east. मुझे ये vector बनाना है, ये एक velocity vector है, v लिखता हूँ, वो है 20 meter per second in which direction towards 45 degree north of east, at मतलब towards, क्योंकि velocity है तो मुझे magnitude के साथ साथ direction भी specify करना पड़ेगा, towards 45 degree north of east, समझ में आई बात? ये मेरा velocity vector है, तो इसको मैं कैसे represent करूँगा? अब सुने ध्यान से, जो किताबों में दिखाया जाता है वो ऐसे दिखाते हैं इसको, जो horizontal plane वाली जो कहानी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये वाली, इसको ऐसे दिखाते हैं किताबों में। इसका मतलब ये ना समझ लीजिए कि ये जो vertical line दिखाया गया है, ये vertical line किधर है, vertical line ऊपर जा रहा है, नहीं, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में इधर जा रहा है और दूसरा लाइन ऐसे है। क्या क्लियर है? आई नीड अ रेज ऑफ हैंड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉट इट क्लियरली। आई नीड अ रेज ऑफ हैंड नाउ। क्या क्लैरिटी है? बोलना पड़ेगा, बहुत छोटी सी बात है बट कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट इज द थिंग, पहली बात। तो जब मैंने यहाँ बनाया है सपोज, तो फिर अगर मेरा लॉजिक सही है तो फिर ये मेरा वाई एक्सिस होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, इसको मैं ईस्ट लिख सकता हूँ, इसको मैं वेस्ट लिख सकता हूँ, ये मेरा नॉर्थ होगा समझे, और ये मेरा साउथ होगा, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। मैं फिर से लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, समझे, सोचें, समझे, ठीक है? ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है? नाउ यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कीप इट अप, अदरवाइज पुट योर हैंड्स डाउन, राइट? क्या क्लैरिटी है ये? क्लैरिटी है ये? Everybody is understanding? कोई दिक्कत, कोई confusion नहीं है? सुने ध्यान से अभी। 20 meter per second towards 45 degree north of east.
45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो मेरा वेक्टर जो होगा, मेरा वेक्टर ऐसा ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं। सुने ध्यान से, ये मेरा वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। फील करें, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा। क्या क्लैरिटी है ये, समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया, मैंने एक फोर्स लिया, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 15 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये वेक्टर मुझे रिप्रेजेंट करना है। मैं इस पे कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बेसिक्स। ये वेक्टर मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, 50 न्यूटन टुवर्ड्स 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्या मेरा वेक्टर ऐसा होगा? फील करें, ये जो लेंथ है, क्या ये लेंथ 50 न्यूटन होगी? मैग्नीट्यूड दिखा रही है, जब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं देखो, एक नंबर है और एक यूनिट है जो हमने बेसिक पढ़ी थी। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या मेरी बात समझ में आई है? सो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये हुआ। क्या क्लैरिटी है ये? ये आया। अब सुनो ध्यान से, अब क्या होता है, अब क्लैरिटी के साथ समझे, ठीक है? अब क्लैरिटी के साथ समझे, इस चीज को समझना जरूरी है, फील करें, ठीक है? सुनेंगे ध्यान से, देखिए देखिए, अब ये इसका सपोर्ट है, इस वेलोसिटी वेक्टर का। अब समझे आप इस बात को, इस वेलोसिटी वेक्टर का ये सपोर्ट है, मतलब इस सपोर्ट पे मैं इस वेक्टर को कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकता हूं। हाँ, नो बढ़िया, स्टॉप टस, इट विल रिमेन 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैं इस सपोर्ट पे इस वेक्टर को कहीं पे भी लेके जाऊं तो इट विल रिमेन 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यस और नो? यस और नो? प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन। मैं इस सपोर्ट पे इस वेक्टर को कहीं पे भी लेके जाऊं, विल इट रिमेन 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और इट विल चेंज, और इट विल चेंज, इट विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। क्या क्लैरिटी है ये? गुड। अब सोचो, इस सपोर्ट के पैरेलल मैं कोई भी सपोर्ट बना दूं इस प्लेन के ऊपर, कोई भी सपोर्ट बना दूं इस प्लेन के ऊपर, फील करें, फील करें और समझें, समझते हुए नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें। किसी भी पैरेलल सपोर्ट के ऊपर मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूं, इट विल स्टिल रिमेन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यस और नो? यस और नो? इसका मतलब अगर कभी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाला वेक्टर अगर कभी आपको इधर दिख गया, सुने ध्यान से, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी अगर आपको यहां दिख गया तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, सर ये यहां क्यों दिख रहा है, सर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे है, सर वो यहां क्यों दिख रहा है। अरे बेटा, तूने अलाउबल मूवमेंट सीखा है क्या? तू इसे उठा के यहां पे पुट कर सकता है। हां, क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें एक बहुत गहरी बात बताई मैंने कि 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हमेशा मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की मदद से मैं उसे किसी भी लाइन से, मतलब कहीं पे भी वो हो, उसको उठा के क्या ओरिजिन से या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से क्रॉस करा सकता हूं, एंड इट विल स्टिल रिमेन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट 20 मीटर पर सेकंड? यस और नो? डिड यू गॉट द क्लैरिटी? आई नीड अ रेज ऑफ हैंड नाउ, नो राइटिंग इन द चैट सेक्शन, आई नीड अ रेज ऑफ हैंड। Did you understand this? क्या clarity है ये? तो कहीं पे भी ये हो सकता है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या allowable movement या properties of vector के हिसाब से मैं इसे origin के through cross करा सकता हूँ, which is the intersection of north, south and east, west lines? बोलो हाँ की ना? Yes sir. क्या clarity है ये? पक्का? Similarly, ये जो blue color वाला force vector है, इसको मैं इसके support के parallel या इसी support पे कहीं पे भी ले जाके रख सकता हूँ, और ये vector still it will remain as 50 newton towards 37 degree south of east. क्या बात समझ में आई है? This is a very important thing that you need to understand. क्या clarity है ये? ये representation का बहुत important चीज़ है जो आपको समझना। तो किसी भी vector को जब represent करना हो, तो बिंदास, सुने ध्यान से, किसी भी vector को represent करना हो east west north south direction में, मतलब horizontal plane में,
तो बिंदास उसे ओरिजिन से बनाए, क्योंकि वो कहीं पे भी हो सकता है, होने दो जहां पे है। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के हिसाब से मैं उसको वहां से उठा के अलाउबल मूवमेंट देके पैरेलल सपोर्ट के ऊपर या उसी सपोर्ट के ऊपर कहीं पे भी ट्रांसलेट करा के क्या मैं उसे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के इंटरसेक्शन लाइन पॉइंट से क्रॉस करा सकता हूं? दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। बोलो हाँ या ना, क्या चमका है, बोलो क्या क्लैरिटी है, बोलो एवरीवन, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू एंजॉय देन ओनली यू विल बी एबल टू डू फिजिक्स, एल्स इट विल बी अ बोझ, अ बिग बोझ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा हड़बड़ी मत करो इस चैप्टर को, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ लो, फिर कूदना किनेमेटिक्स के ऊपर। फिर तो तुमको सवाल इतने दिए जाएंगे कि तुम बोलोगे बस और नहीं करना, ठीक है ना? अभी समझो, अभी बहुत ज्यादा हड़बड़ी मत करो सवाल बनाने के लिए, ठीक है ना? घबराओ मत, इसको नोट कर लें क्विकली फास्ट, एक मिनट के अंदर विल मूव फॉरवर्ड फास्ट। डन, ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं। अब हम आएंगे रूल्स ऑफ वेक्टर एलजेब्रा, क्योंकि हमने सीखा था कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब कहलाती है जब उसकी एक मैग्नीट्यूड हो, उसकी एक डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ वो रूल्स ऑफ वेक्टर एलजेब्रा फॉलो करे, ठीक है? Before I go there, one question, sir, क्या हम वेक्टर को जेड एक्सिस में मूव करा सकते हैं? वेक्टर को जेड एक्सिस में मूव कराने के लिए वो वेक्टर जो होगा वो इनिशियली जेड एक्सिस की तरफ उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, एल्स कैसे मूव कराएंगे? एल्स अगर हम मूव कराएं तो वेक्टर बदल जाएगा। देखो सवाल अच्छा पूछा है बच्चे ने, तो मैं इसका जवाब दूंगा, सुनो ध्यान से। सपोज सुनना सुनना मुन्ना, इधर सुन, देख ध्यान से, इधर देखो। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसा ये मान लो 50 न्यूटन का एक वेक्टर है और 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे मेरा टेल है, फील करना। मैंने क्या किया, इस टेल पे कांटी मार दी, और टेल पे कांटी मार के इसका जो हेड है इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया जेड एक्सिस की तरफ। तो जब मैंने घुमाया, फिर से फील करना मैंने क्या बोला, मैंने इस पॉइंट को नेल कर दिया, कांटी मार दी। कांटी समझते हो, कांटी कांटी, यू नो दिस राइट, थोड़ा बहुत हिंदी में से फील आती है, अपना राष्ट्रीय भाषा है ना। तो कांटी मार दी मैंने इसे, और जिसका हेड है इसको पकड़ के ऐसे उठाया और जेड एक्सिस की तरफ कर दिया। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा जो वेक्टर होगा वो ऐसा कहीं पे आ जाएगा जेड एक्सिस की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अब ये वही वेक्टर नहीं रहा, मान लो इसको मैं बोल रहा था एफ वेक्टर, ये अभी f वेक्टर नहीं रहा, ये कुछ अलग वेक्टर हो जाएगा f डैश वेक्टर, एंड f वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू f डैश वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने इसे 90 डिग्री से रोटेट करा दिया, और हम जानते हैं कि रोटेट कराने पर वेक्टर बदल जाता है। तो आप जो बोल रहे हो कि z एक्सिस की तरफ अगर मैं रखूं, सिद्धेश ध्यान दे, क्या z एक्सिस में मूव करा सकते हैं? z एक्सिस में मूव करा सकते हैं अगर वो ओरिजिनली वेक्टर z एक्सिस में होगा तो। समझ में आया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देख इसको फील करने का एक तरीका बोलूं, वैसे यार क्या होता है ना, तुम लोग सवाल पूछते हो तो मैं अपने आपको रोक नहीं पाता हूं, मैं बह जाता हूं जज्बात में। चलो मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूं, सुन ध्यान से, देख। चलो कोई बात नहीं, समझ लेंगे, फील कर लेंगे, आइए आइए मजेदार चीज बता रहा हूं मैं, एक बार ध्यान सुनो, तुमको अच्छा भी लगेगा। मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फील कीजिएगा, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आपको फील आएगा हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं। अब सुनना, ठीक है, सुनना, देखो। मान लो यहां पे एक पर्सन है, यहां पे एक पर्सन है, रेन गिर रही है वर्टिकली, रेन गिर रही है वर्टिकली, तो इस पर्सन के लिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये क्या है, ये इसका नॉर्थ साउथ लाइन है, सॉरी ईस्ट वेस्ट लाइन है, फील कीजिएगा, और ये इसका नॉर्थ साउथ लाइन है, हाँ या ना बोल, हाँ। इस पर्सन के लिए ये इसका ईस्ट वेस्ट लाइन है और ये इसका नॉर्थ साउथ लाइन है, फील कीजिएगा, हाँ बिल्कुल एकदम समझ में आया सर। अब सुने, मान लीजिए रेन जो है वो गिर रहा है वर्टिकली,
5 मीटर पर सेकेंड। अब रेन जब गिरता है तो रेन तो एक जगह पे नहीं गिरता है, सब तरफ गिरता है। मान लो इस पूरे स्पेस में जहां पे भी ये दोनों फ्रेंड खड़े हैं रेन वर्टिकली गिर रहा है। अब सोचो यहां पे जो रेन गिरा और यहां पे कहीं पे जो रेन गिर रहा है बीच में कहीं पे, मान लो फील करें, क्या मैं इस वाले वेक्टर को उठा के इस जेड एक्सिस पे जहां पे ये पर्सन खड़ा है क्या मैं इसे अलाउबल मूवमेंट देके शिफ्ट कर सकता हूं? तो क्या रेन एवरीवेयर विल फॉल विद 5 मीटर पर सेकंड एंड टुवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस? भले रेन कहीं पे भी गिर रहा हो क्या अलाउबल मूवमेंट देके उसको मैं जो दूसरा पर्सन है, सपोज आई नेम दिस एज पर्सन ए एंड आई नेम दिस एज पर्सन बी, क्या पर्सन बी के जो वर्टिकल एक्सिस है क्या वहां पर शिफ्ट कर सकता हूं? तो हर वेक्टर, तो वी विल से दैट रेन इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस। क्या चमका है? अभी तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि इस पर्सन के लिए वेलोसिटी जो है उसकी एक्सिस तो मैं तो इधर खड़ा हूं मेरा एक्सिस इधर है। अरे भाई तुम ये गिर रहा है ना वर्टिकल, इसको शिफ्ट करके कहीं पे भी जो पर्सन है उसके वर्टिकल में तुम शिफ्ट कर सकते हो बाय गिविंग द अलाउबल मूवमेंट विच इज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर दैट वी हैव स्टडीड। क्या फील आई है? फील आई कि नहीं? थोड़ा सा टाइम 5 मिनट लग गया बट समझ आई कि नहीं? बोलो दोस्त जिसका भी ये सवाल था, मैं नाम भूल गया, जिसका भी सवाल था क्या चमका है? ओके क्लैरिटी आई ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। ऐसा ही होता है, रेन जब गिरता है तो रेन की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, तो हम हर जगह पे अर्थ सरफेस में रेन की वेलोसिटी वही बोलते हैं। सपोज औरंगाबाद में बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं औरंगाबाद में रेन 5 मीटर पर सेकेंड माइनस जेड एक्सिस में गिर रहा है, तो औरंगाबाद में एक तो अपना कैम्ब्रिज स्कूल है दूसरा नाथ वैली है, तो हम क्या कैम्ब्रिज स्कूल में वेलोसिटी ऑफ रेन अलग बोलेंगे और नाथ वैली में वेलोसिटी ऑफ रेन अलग बोलेंगे क्या? मान लो कैम्ब्रिज में एक स्टूडेंट खड़ा है एक नाथ वैली में खड़ा है, तो क्या दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग होंगी क्या अगर मैं बोलूं रेन की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस? नो, दोनों की सेम होगी, क्योंकि जो कैम्ब्रिज में गिर रहा है उसको मैं पैरेलल अलाउबल मूवमेंट देख के सपोर्ट चेंज करके मैं उसको नाथ वैली में गिरवा सकता हूँ, वेलोसिटी तो वही रहेगी। क्या फील आई? क्या 3D में चीजों को फील कर पा रहे हो? बोलो हाँ या ना, वेक्टर के टर्म्स में बोलना पड़ेगा, हाँ या ना, क्लैरिटी है? मैं थोड़ा बोलता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं तो स्क्रीन के सामने तो तुम गायब हो जाओगे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है ना? बहुत सारी चीजें हो रही है तो आपको समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था बाय द वे। आइए रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा सुने ध्यान से। जो पहला रूल हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है ना, वो है पहला रूल इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम जो दो वेक्टर ऐड करेंगे, सुने ध्यान से दो तीन बातें, बिकॉज आप इस चैप्टर को बिगनिंग से एकदम बेसिक पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें समझना जरूरी है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स सम ऑफ वेक्टर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स they all mean the same thing। पहली बात तो ये रटो, because आप ये chapter पहली बार कर रहे हो तो आपको ये बताना जरूरी है, otherwise आप कहीं पे sum देख लिए, कहीं पे addition देख लिए, कहीं पे resultant देख लिए तो confuse हो गए, sir ये कुछ अलग ही word है। Addition of vectors is same as sum of vectors is same as resultant of vectors। ये एक नया word है, ICSE वालों ने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है, सीबीएसई वाले और स्टेट बोर्ड वाले शायद नहीं पढ़े हैं, शायद वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स जब मैं बोलूं, समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट तो इसका मतलब है एडिशन या सम ऑफ वेक्टर्स। पहली बात तो अपने दिमाग में ये सेट करें, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वही दो वेक्टर्स, थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूं, थोड़ा अलग दिखेगा और समझ में भी आएगा, वही दो वेक्टर्स एड हो सकते हैं, जिनकी सेम यूनिट हो और जो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। बहुत जरूरी है ये। सपोज कोई बोले कि मैं वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं, क्या तुम ऐड कर सकते हो? नो। इसका मतलब है You cannot add force vector and velocity vector। इसका कोई मतलब नहीं होगा।
क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बट एड नहीं कर सकते. एड हम वही दो वेक्टर्स को कर पाएंगे जिनकी सेम फिजिकल यूनिट होगी और जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे, जिनकी सेम यूनिट होगी या फिर जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे, ऐसे ही वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने फोर्स को फोर्स से ऐड किया, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड किया, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से ऐड किया, लेकिन हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं. वेक्टर एडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एडिशन. ठीक है, जैसे 5 kg को 5 kg से ऐड करना और 5 m/s टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 m/s टुवर्ड्स नॉर्थ को ऐड करना, दोनों में डिफरेंस है. जो स्केलर की एडिशन होती है वो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करती है, लेकिन जो वेक्टर की एडिशन होती है वो एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो हमेशा नहीं करती. अगर एक ही डायरेक्शन में है तो करती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, एक ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो करती है, लेकिन अगर दोनों एक डायरेक्शन में ना हो के उनके बीच में कुछ एंगल आ गया तो फिर सारे रूल फेल हो जाते हैं जो कि आप बेसिक एल्जेब्रा में पढ़ते हो. तो उस केस में हमें वेक्टर एल्जेब्रा लगाना पड़ता है. तो वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है वो वेक्टर एल्जेब्रा के रूल्स फॉलो करते हैं. 5-4 हो गया है, क्या मैं 5 मिनट और ले लूं या छोड़ दूं? अगर रहोगे तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा. कल कल पढ़ेंगे, कोई कोई इशू नहीं है. बहुत अच्छी चीजें आज हमने पढ़ी है. 5 मिनट खींच लूं, लेकिन यार तुम लोग अभी जा रहे हो, मुझे लग रहा है तुम लोगों का क्लास व्लास कुछ है. यू कंसिडर, ओ माय गॉड, व्हाट शैल आई कंसिडर. ओके, नाउ 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 फाइन फाइन, इट्स ओके, मैं इसको कल कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, सुनो, सो नाउ लिसन टू मी, क्विकली सम अप करूंगा. बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने सीखी है आज, पर्टिकुलरली ये वाली चीज जो मैंने बताई है, इसका सिग्निफिकेंस ट्रेमेंडस है. इसको फील करें, ठीक है, फील करें और समझें इन चीजों को. और ये जो कुछ एग्जाम्पल बताया मैंने, दीज आर द रियल टाइम फिजिक्स के प्रॉब्लम. ठीक है, समझ में आई है, क्लैरिटी है? ठीक है, एक सवाल है, सर इफ ऑन सेम एंगल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड विल इट बिकम जीरो? सर इफ ऑन सेम एंगल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड विल इट बिकम जीरो? यस, इट विल बिकम अ जीरो वेक्टर, इट विल बिकम अ जीरो वेक्टर. ठीक है, ठीक है, चलो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ. वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो. ठीक है, चलो फिर, बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, आई एम स्टॉपिंग हियर, थैंक यू वेरी मच.